गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, समय करीब आ चुका है और काफ़ी करीब आ चुके हैं हम सब। 13 सितंबर बहुत नज़दीक है, ठीक है ना? और हम सब अब आखिरी पड़ाव पर हैं। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के किस प्रकार सॉल्व करने हैं, जिसके लिए मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई हुई थी कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने, मुझे उस किस प्रकार से उसको सॉल्व करना मैंने डिस्कस किया था। बेटा मैंने कहा था, बेटा ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन 2007 से आ रहे हैं और 2019 तक बेटा कुल 13 साल तक आए, और 15 और 16 दो साल बेटा रिपीट हुआ था पेपर, इसलिए टोटल 15 बार, तो लगभग 1500 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। वो कहाँ से कैसे आए हैं, तो हम कहते हैं यूनिट 6 के चैप्टर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग इन प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, उनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक बेटा, अब देखिए मैं चैप्टर पहले की बात करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आए हैं अब तक, ठीक है? अनन्या गुड मॉर्निंग, आयुषी गुड मॉर्निंग बेटा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन इसके कम हैं, इन आपको करने होंगे। पहले नंबर पेज से बेटा कोई क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो रहा है। पंचानन महेश्वरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जरूर दिया जाता है, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है इनको बेटा, ठीक। लाइफ स्पैन और मॉर्टेलिटी पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसके दो क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी थ्योरी अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं बेटा। जैसे इस लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के पीरियड को लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन बेटा साइज पर डिपेंड नहीं करता है। दो एग्जाम्पल है, क्रो एंड पैरट का साइज लगभग सेम होता है। इन कौवे का लाइफ स्पैन 15 साल और पैरट का 140 साल होता है, याद करना पड़ेगा। ऐसे प्लांट में बेटा मैंगो और पीपल का पेड़ लगभग सेम होते हैं साइज में, इन लाइफ स्पैन दोनों के अधिक होते हैं, दोनों के डिफरेंट होते हैं। मैंगो का लाइफ स्पैन कम और पीपल का ज़्यादा होता है। फिर बेटा दूसरा क्वेश्चन पेश है, इमोर्टेलिटी अमर। वैसे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर यह क्वेश्चन कहना चाहेंगे अमर क्यों कहा गया है। हर इंडिविजुअल की डेथ होना एक स्वाभाविक है, नेचुरल है, कोई इंडिविजुअल अमर नहीं है। इन अमर किस सेंस में कहते हैं और क्यों कहते हैं, जब इसका क्वेश्चन हमारे सामने है तो देखो मैं इस पर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। अमर क्यों कहते हैं, अमर बेटा इसलिए कहते हैं कि जब प्रोटोजुआ जो यूनिसेलुलर होता है, बैंड डिफ्यूजन होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो डॉटर सेल ने के बाद उस पेरेंट सेल का कोई अवशेष बचता नहीं है। जब कोई अवशेष ना हो तो डेड बॉडी किसकी, जब कोई अवशेष ना हो तो डेड बॉडी किसकी, करेक्ट है ना मुकेश पंडित, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक। तब डेड बॉडी किसकी, इसीलिए उसको हम लोग अमर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए अमर कौन होते हैं, तो आप केवल जवाब देना, जवाब देना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं वही अमर कहलाते हैं। चलिए पेज नंबर 4 पर तमाम से फिगर दिए हुए हैं, ठीक है? चांदनी गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 4 पर बहुत से फिगर दिए हैं जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, बट उनके आंसर्स कैसे लगाओगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा जरा बेटा। मैं इस प्रकार से बोलूँगा, जैसे 1 से 2 सप्ताह बटरफ्लाई का, 2 सप्ताह फ्रूट फ्लाई का, 2 वीक की बात हो रही है, 15 ईयर्स कौवे की, 16 वर्ष काउ की, 18 वर्ष डॉग की, 60 वर्ष, ठीक है, 60 ईयर्स की बात की जाएगी क्रोकोडाइल की, ऐसे ही है 62 ईयर्स हॉर्स की, 75 ईयर्स क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल हॉर्स और एलिफेंट की, ठीक है ना? तो क्रोकोडाइल हॉर्स और एलिफेंट,
ये 15, 16, 18 पास हैं, एनिमल्स भी कुछ छोटे हैं, ये एनिमल थोड़े से बड़े हैं। फिर 140 वर्ष पैरट की और 100 से 150 वर्ष तक चलेंगे तो टर्टवाइज की। तो अगर हम बेटा यहां पर मैंने कहा कि अगर हम एज के हिसाब से देखें तो एनिमल मुझे जल्दी याद, एनिमल के हिसाब से एज मत याद करो, एज के हिसाब से एनिमल याद करो। जैसे 3 से 4 महीने तो राइस का प्लांट हो जाता है, 15 साल तक रोज का प्लांट होता है और बरगद का प्लांट 200 से 300 साल तक जिंदा रहता है। ये तरीका आपको याद करने का हो सकता है। तो पहले और दूसरे चौथे नंबर पेज पर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, ये लिखे हैं सारे, ठीक है ना, उसी तरह से। एक दो सप्ताह 15, 16, 18 60, 62, 75, 40, 150 3 महीने 10 से 15 साल और 200 से 300 साल। बनाना के लिए बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, वो शकर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, एक प्लांट होता है जो 2 से 3 साल अपना फल देता है, फिर दूसरा प्लांट वहां निकलता है और वो देता है, इसलिए कई वर्षों तक ये जीवित रहता है प्लांट बेटा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 5 पर बेटा, कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है, यानी अब तक नहीं आया है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्वेश्चंस नहीं है। तो पेज नंबर 5 के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बताएंगे उसको जरा देखिए इस प्रकार से। पहला, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फेनोमिना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उन्हें ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है। रिप्रोडक्शन बेटा कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज के लिए होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रोड्यूस होते रहते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए बेटा। रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन भी बनते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन के कारण ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन बेटा 2 प्रकार का होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल बाई पेरेंटल कहलाता है, दोनों पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के होंगे। अगर एक ही पेरेंट में बाई सेक्सुअलिटी है तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखो नहीं होता है एनिमल्स में, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है, इसलिए 2 इंडिविजुअल का होना जरूर रहता है। कोमल त्रिपाठी गुड मॉर्निंग, अच्छा ओके। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बेटा पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, करेक्ट है ना बेटा, लेकिन जब हम बात करते हैं वो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं तब वो बेटा आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली क्लोन्स कहलाते हैं। क्लोन्स किसे कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली आपस में सिमिलर होते हैं उनको क्लोन्स कहा जाता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जब ये क्वेश्चन होगा तो मोस्ट कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, एसेक्सुअल प्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किन किंगडम के मेंबर्स में होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कौन सा मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में दूसरा कॉमन फीचर जब ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं तब वहां आता है बडिंग। क्या आता है बेटा, बडिंग, ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ओके बेटा। अब क्वेश्चन कहते हैं अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा डिवीजन होता है, अमीबा में सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है जबकि पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। पैरामीशियम एक सीलिएटा है, जितने भी सीलिएट होते हैं उनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसमें फ्लैजलेट होते हैं उनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। फ्लैजलेट में यूग्लिना भी आएगा, ट्रिपैनोसोमा भी होगा। ईस्ट में जो बडिंग होती है वो अनइक्वल प्रकार की होती है, अगर बड आपस में लगी रहें एक दूसरे से अलग ना हो तब उसे जो स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से उसे बेटा स्यूडोमाइसिलियम कहा जाता है, उसे स्यूडोमाइसिलियम। तो स्यूडोमाइसिलियम ईस्ट में मुझे देखने को मिलता है, ये माइसिलियम नहीं है,
माइसिलियम नेटवर्क का हाइफी होता है। फंजाई के प्लांट बॉडी को हम हाइफी कहते हैं और नेटवर्क का हाइफी को हम माइसिलियम कहते हैं। पेज नंबर 6 पर बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है। पेज नंबर 6 पर आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्लाइमेटोमोनास पेनिसिलियम स्पंज और हाइड्रा के फिगर बने हुए हैं। यहां पर बेटा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, वैसे करेक्ट कौन नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट कौन नहीं है, यहां लिखा गया है पोटैटो बनाना जिंजर और प्लांटलेट इंटरनेट से बनते हैं, इंटरनोड से बनते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। नोड से बेटा नई बर्ड्स निकलती हैं, नोड से नए प्लांट निकलते हैं। तो अब इस पेज से संबंधित 6 नंबर पेज पर बेटा कौन से करेक्टर 6 हैं जरा देखिए। 6 नंबर में सबसे पहले बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लाइमेटोमोनास बना हुआ है। क्लाइमेटोमोनास में 5 पॉइंट बताने हैं। नंबर 1 जू स्पोर्स के बारे में बताना है, जू स्पोर के 5 पॉइंट बेटा फंगस में बताया भूलना मत। पहले जू स्पोर बेटा कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल माने बेटा फ्लैजलेटेड होते हैं। दूसरा बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, इसलिए माइटोस्पोर्स कहते हैं। फ्लैजला पाए जाते हैं, इसलिए प्लैनोस्पोर्स कहते हैं और स्पंजिया के अंदर बनते हैं, इसलिए हैप्लोइड कहा जाता है। स्पंजिया के अंदर बनते हैं इसलिए बेटा हैप्लोइड कहा जाता है। स्पंजिया के अंदर बनते हैं इसलिए हैप्लोइड कहा जाता है, सही है ना। बिल्कुल साफ दिख रहा है, किताब आपके सामने रखी है। जब आप पेनिसिलियम में आते हैं तो पेनिसिलियम में बेटा इस प्रकार से आप देख रहे हो क्या बन रही होती हैं। यहाँ पर आप देखिए तो बडिंग बन रही है। ये बड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, कोनिडिया कहते हैं, इन्हें कोनिडिया कहते हैं। बिल्कुल कैसे होते हैं जब इन पर चर्चा होगी तो कोनिडिया में, कोनिडिया का फॉर्मेशन किस क्लास के मेंबर में मोस्ट कॉमनली होता है, एस्कोमाइसिटीज में। पेनिसिलियम किस क्लास को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज। पेनिसिलियम से क्या बेनिफिट मिलता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिली थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले बनाया था। ये स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, माइटोस्पोर्स हैं, बिना फ्लैजला वाले हैं, एक्सोस्पोर्स हैं, हैप्लोइड। 5 चीजें बतानी है। ऑलरेडी फंजाई में मैंने अच्छे से डिटेल से बताया है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसमें बडिंग पाई जाती है और एसेंशियल स्पंज में बेटा जिम्यूल्स बनते हैं। जिम्यूल्स बेटा कैसे होते हैं, जिम्यूल्स इंटरनल बड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना, इंटरनल बड होती है। एग्जामिनेशन हॉल में केवल और केवल मेरी इन बातों को ही दिमाग में आपकी गूंजेंगी सारी बातें ऐसी। बस 1-1.5 घंटे क्लास में बैठ जाओ, सारी स्टेटमेंट्स आपको वहां मिलेंगे। दूसरा डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और ये बेटा स्पंज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो जीवूल्स बेटा उनमें बनते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आप बच्चों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस की बात होती है जीवूल्स में, जिमूल में अगर हम आपसे कहें, हो सकता है क्वेश्चन बढ़ा कर वो पूछे तो क्या कहेंगे, जिमूल के सेंटर में बेटा आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं। वो आर्कियोसाइट सेल्स चारों ओर से बेटा, चारों ओर से अमीबोसाइट से घिरी होती हैं, अमीबोसाइट से घिरी होती हैं, ध्यान से रखना बेटा, अमीबोसाइट से घिरी होती हैं और अमीबोसाइट के चारों बेटा, अमीबोसाइट के चारों बेटा स्पिकुल्स पाए जाते हैं, चारों स्पिकुल्स पाए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को जिमूल्स कहते हैं। यानी ध्यान आपको ये रखना है, 3 प्रकार के सेल्स यहाँ मिल रही हैं। अंदर आर्कियोसाइट्स हैं, आर्कियोसाइट्स के बाहर बेटा अमीबोसाइट्स हैं और फिर ये स्पिकुल्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को जिमूल कहते हैं जो बॉडी के अंदर बनती है, अंदर बनती है। फिर बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर और फ्रेम हो जाता है, वो क्या होगा इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, स्पोरुलेशन, ठीक, क्या कहते हैं हम इसको, कैसे इंसिस्टमेंट, मैं इसे बोल दूंगा। बस देखो पेज नंबर 6 पर नीचे लिखा हुआ इंसिस्टमेंट स्पोरुलेशन। अमीबा बेटा अब जब
नॉर्मल कंडीशन होती है तो अमीबा में सीडोपोडिया पाया जाता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो सीडोपोडिया विड्रा हो जाते हैं। विड्रा होने के बाद उसमें तीन लेयर की प्रोटेक्टिव सिस्ट बन, तीन लेयर ध्यान रखना, तीन लेयर की प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाती है, इसे इंसिस्टमेंट कहते हैं। फिर बेटा थ्री लेयर बोलना, फिर विपरीत परिस्थितियों के समाप्त होने पर और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इन्हें स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। ये वॉल बेटा बस्ट हो जाती है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं और नए अमीबा की तरह जन्म लेते हैं। ये मल्टीपल फ्यूजन करता है, इस पूरी फिनोमिना को स्पोरुलेशन कहते हैं। सिस्ट के बनने को इंसिस्टमेंट कहते हैं, न्यूक्लियस के कई बार डिवाइड होने को मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर बेटा कुछ फिगर्स बने हैं, प्लांट दिख रहे हैं, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा वहां पर देखा जा रहा है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर बेटा कैसे होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में। आईज क्या होते हैं, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं, ये मैचिंग टाइप करेक्ट मैच आपको बताना है और ये क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट। नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना बेटा, नॉट करेक्ट वाले कम से कम 10-12 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, 6-7 क्वेश्चन मैचिंग के आते हैं। मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर बेटा क्लासिफिकेशन से ही होते हैं, जहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन मैचिंग का जरूर आता है, गौर से उसे पढ़ना है आपको। प्लांट क्लासिफिकेशन में, लोअर प्लांट में एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, एक क्वेश्चन मैचिंग का जरूर रहता है। उसके बाद हारमोन्स में मैचिंग के क्वेश्चन के चांस रहती है और मिनरल्स में मैचिंग के चांस, फंक्शन के बेसिस में मैचिंग के चांस है। 7-8 क्वेश्चन मैचिंग के मिल जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन नॉट करेक्ट में लिखा होता है बेटा। एग्जाम्पल बहुत अच्छे ढंग से लर्न करना होता है, ऑफसेट। हाँ ये देखो, लास्ट ईयर क्वेश्चन था शायद 2018, लास्ट टू लास्ट ईयर का था। ऑफसेट रिप्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट का मतलब बेटा एक कॉर्निया के स्टेम को हम लोग ऑफसेट कहते हैं, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन से होता है, इसलिए क्वेश्चन ये लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऑफसेट में सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है, इन ऑफसेट दिया हुआ गया है तो ये स्टेम से रिलेट करके दिया गया है, इसलिए इसमें माइटोटिक डिवीजन को दिया। ऑफसेट मीन्स स्टेम, ऑफसेट मीन्स बेटा स्टेम है ना, ऑफसेट मीन्स क्या बेटा स्टेम। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। वेजिटेटिव 7 नंबर पर, ट्यूबर के द्वारा बेटा पोटैटो, राइजोम जिंजर, बल्बिल्स अगेव, लीफ बर्ड ब्रायोफिलम, ऑफसेट इकर्निया या वाटर हाइकेन। उसके नीचे एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोरनर, सब एरियल स्टेम, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, सकर्स, सब एरियल स्टेम, ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम, ऑफसेट, सब एरियल स्टेम, बल्ब, अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड है, ये तीन यहाँ पर अंडरग्राउंड हैं और तीन यहाँ पर सब एरियल लिखे हुए। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ पहुँचाइए और आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पर पहुंचो, पेज नंबर 8 पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ साथ नीचे इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन का भी जिक्र है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल प्रोडक्शन का जिक्र है। अब दो क्वेश्चन हैं, ध्यान देना बेटा, एक तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, एक 2016 का पहली बार जो पेपर हुआ था, रिपीट होने से पहले वाला लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन आर जनरली कैसे होते हैं, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं और वेरिएशन होता है, ये तो बता चुके हम लोग, है कि नहीं बेटा। ऋषभ मौर्या गुड मॉर्निंग बेटा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, फिर बेटा वही चीज आया,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब हम सब जो पीछे बोल दे रहे हैं वही तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आप ध्यान रखिएगा, मेरी जो भाषा है एनसीईआरटी हम सब लोग पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के तरीके जो होते हैं, उनकी थ्योरी के जो क्वेश्चन में तब्दील करने का पार्ट होता है, कितनी जल्दी कितनी रैपिडली आप करते हैं, उन पर ध्यान देना है। तो चलिए, नम्रता गुप्ता गुड मॉर्निंग बेटा, आइए हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 8 पर कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है नम्रता? ओके बेटा, अंश, अच्छा अंश, इकार्निया को क्या कहते हैं? वाटर हाइकेन। और क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। कैसा प्लांट होता है? एक्वेटिक होता है। क्या करता है? पानी बॉडी को बिल्कुल घेर लेता है, उसमें फैल जाता है तेजी से, बहुत तेजी से फैलता बेटा। किस में पाया जाता है? रनिंग वाटर है, स्टैंडिंग वाटर में होता है। पानी से क्या खींच लेता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। पानी में किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। किसके डेंथ के चांस बढ़ जाते हैं? मछलियों के। इंडिया में क्यों लाया गया था? ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीव्स के सेब के कारण लाया गया था बेटा। कैसे प्रोपोगेट करता है? वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है। स्टेम को क्या कहा जाता है? ऑफसेट कहा जाता है। थोड़े ही समय बहुत तेजी से बढ़ जाता है बेटा, इसको तालाब से छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं बेटा, लिखे हैं ना कुछ दूसरे एग्जाम्पल। कल्टिवेशन ऑफ सम प्लांट्स आल्सो बेटा लिखा है। सम कल्टिवेटेड प्लांट जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको देखने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पोटैटो दिया हुआ है, सुगर केन दिया हुआ है, बनाना दिया है, जिंजर और डहलिया दे रखा है बेटा, करेक्ट है? कुछ एग्जाम्पल है। क्वेश्चन, बर्ड को क्या कहते हैं? पोटैटो में आइज कहा जाता है, नोट्स होते बेटा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बनाना और जिंजर में प्लांट किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं? मैचिंग टाइप क्वेश्चन में है, राइजोम के द्वारा होते हैं बनाना और जिंजर में बेटा, करेक्ट है? ब्रायोफिलम में किसके द्वारा होता बेटा? लीफ के मार्जिन पर नोड्स पाए जाते, नॉच पाए जाते हैं। लीफ के मार्जिन पर नॉच प्रेजेंट होते हैं, नॉच से बड निकलते हैं, नए प्लांट बनते। बस सुनते रहिए, सुनते रहना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रायोफिलम कहते हैं, उसे अजूबा कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा। क्या है, कैसे है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है बेटा? लोअर प्लांट एल्गी फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड होता है बेटा, बहुत कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का होता है, ठीक है? एल्गी और फंजाई में होता है। आशुतोष गुड मॉर्निंग। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, लोअर जो एल्गी फंजाई होते हैं नॉर्मल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कब इंटर करते हैं? जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाते हैं, वे शिफ्ट हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एडवर्स कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या बन जाते हैं बेटा? जाइगोट बनाते हैं, जिनके ऊपर थिक वाल बनती है, तो जाइगोस्पोर कहा जाता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट है? इस जाइगोस्पोर द्वारा वो सर्वाइव कर जाते हैं, ये इसका आंसर लग जाएगा बेटा। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 8 के कुछ क्वेश्चनों हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स बताइए जरा, और एसेक्सुअल से डिफरेंस बताइए। सेक्सुअल में बेटा गैमिट बनते हैं, एसेक्सुअल में नहीं बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता है। वेरिएशन होगा, नई ऑफस्प्रिंग पेरेंट से डिफर करेगी, ऐसा एसेक्सुअल में नहीं होता है। ये एसेक्सुअल से ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन स्लो प्रोसेस होती है। एसेक्सुअल की तुलना में 3 क्वेश्चंस बढ़ गए, ज़्यादा एलेबोरेट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, स्लो प्रोसेस होती है, ये भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और भी बताया जाता है कि लोअर प्लांट से लेकर के हायर प्लांट तक, लोअर एनिमल से लेकर के हायर एनिमल की मॉर्फोलॉजी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन फीचर्स सभी में वही पाया जाता है।
सभी में गैमिट बनते हैं, सभी में फर्टाइलाइजेशन होता है, सभी में मियोसिस होती है, सभी में वेरिएशन होता है, सभी में न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जबकि वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस जो करते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी की मॉर्फोलॉजी में कोई मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है, जीनोटाइप में बेटा कोई चेंज नहीं होता है। अब आप नेक्स्ट पेज पर जाने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 9 पर बेटा हमने कुछ पॉइंट्स दिखे हैं बेम्बू और स्टोबलेंथक और बर्ड्स के बारे में है। अनयूजुअल फ्लावरिंग हम लोग कह सकते हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग किन में पाई जाती है ये देखेंगे। उससे पहले बेटा फेजेस ऑफ द लाइफ, आप जानते हो प्लांट की लाइफ में दो फेज मेन होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। जब तक प्लांट रूट स्टेम लीफ बनाता है तब तक की फेज को वेजिटेटिव कहा जाता है। वेजिटेटिव फेज में प्लांट रूट स्टेम लीफ को बनाता है। वेजिटेटिव फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। इस फेज में प्लांट रूट स्टेम लीफ बनाता है। इस फेज में प्लांट बेटा क्या बनाता है, रूट स्टेम लीफ बनाता है। इस फेज में प्लांट रूट स्टेम लीफ बनाता है, रूट स्टेम लीफ बनाता है। कई बार होता है एक ही सीजन में जो रूट स्टेम लीव्स होते हैं, एक ही सीजन में जो रूट स्टेम लीफ होते हैं उसमें फिर उसी सीजन में फ्लावरिंग हो जाती है, मीन्स रिप्रोडक्टिव हो जाती है। ऐसे प्लांट को एनुअल प्लांट्स कहते हैं। कई बार होता है कि पहले सीजन में रूट स्टेम लीव्स बनती हैं और फिर दूसरे सीजन में फ्लावरिंग होती है, ऐसे प्लांट को हम बायएनुअल प्लांट्स कहते हैं। जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं सब बायएनुअल्स होते हैं। अनियन गार्लिक सब बेटा बायनुअल्स होते हैं। गाजर मूली सब बायनुअल प्लांट्स होते हैं बेटा। तीसरे प्लांट बेटा वो होते हैं एनुअल हैं, ये बायनुअल हैं। तीसरे वो होते हैं जिनमें वेजिटेटिव लाइफ कई वर्षों तक रहती है और जब फ्लावर आना शुरू होता है तो हर वर्ष फ्लावर आते हैं, ऐसे प्लांट को पेरिनियल कहते हैं। तो जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेजेस के बेसिस पर बेटा ये प्लांट तीन प्रकार के हैं, एनुअल, बायनुअल और पेरिनियल। एक एफीमिरेल्स भी कहलाते हैं जो 3 से 4 हफ्ते में अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं बनने के बाद, उसे एफीमिरेल्स कहते हैं। ठीक, नम्रता पूरा क्वेश्चन नहीं है आपका, आई बात सुन। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया, पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। इस तरह से हमें देखना होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जहां फ्लावरिंग की जीवन में केवल एक बार होती है बेटा, उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। देखा ना, फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ, ऐसे प्लांट जो मोनोकार्पिक कहा जाता है, मोनोकार्पिक कहते हैं, मोनोकार्पिक सॉरी, ऐसे प्लांट को बेटा मोनोकार्पिक कहते हैं। क्वेश्चन कहा जाए मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक बार होती है। जितने भी एनुअल प्लांट होते हैं सब मोनोकार्पिक होते हैं, जितने पेरिनियल बायनुअल प्लांट्स होते हैं सब मोनोकार्पिक होते हैं। ऐसे प्लांट में कई बार फ्लावरिंग और फ्रूट बनते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक कहा जाता है। अधिकांश पेरिनियल प्लांट पॉलीकार्पिक ही होते हैं, लेकिन बैम्बूसा जो प्लांट है वो कैसा है, पेरिनियल लेकिन मोनोकार्पिक होता है, एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देता है। लगभग उसकी उम्र 50 से 100 बार होती है, उसे हम लोग अनयूजुअल फ्लावरिंग कहते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग, दो ही एग्जाम्पल अनयूजुअल फ्लावरिंग के हम सब देख रहे हैं। कौन कौन से हैं, बैम्बू और स्टोबलेंथस कुंथियाना। बैम्बू का जीवन 50 से 100 वर्ष होता है, यानी 50 वर्ष वेजिटेटिव लाइफ के बाद इसमें फ्लावर बन जाता है। हाँ नम्रता, मोनोकार्पिक का अनियन है, गार्लिक है, गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, ये सब अंडरग्राउंड रूट वाले सब हैं। पहले सीजन में वेजिटेटिव पार्ट बनता है, दूसरे मैंने क्या कहा, एनुअल्स और बायनुअल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। ठीक, नीला कुरंजी कहते हैं, फ्लावर एक बार निकलता है, 12 वर्ष के बाद निकलता है। पिछली बार फ्लावरिंग 2006 में हुई थी, हम ये कह सकते हैं 2018 में हुई है 12 वर्ष बाद।
हिली एरिया ऑफ केरल कर्नाटक तमिलनाडु में है, वहाँ पर गलियाँ, गलियों में इनके प्लांट जो है ब्लू कलर के स्टेज दे देते हैं बेटा। ऐसा होने से वहाँ पर टूरिस्ट बहुत पहुँचते हैं ऐसी मनमोहक तस्वीर को देखने के लिए। ये सब देखो बेटा, अब एनिमल्स में आ गए। एनिमल्स में हम लाइफ और रिप्रोडक्शन के बारे में एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, करेक्ट। पेज नंबर 8 पर ही देखा, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। एनिमल में जुवेनाइल फेज के बाद तमाम से मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, बिहेवियरल चेंज होते हैं और रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है। एनिमल में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, बिहेवियरल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज आ चुकी होती है, करेक्ट। फ्रॉग और लिजर्ड्स कैसे होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, बिल्कुल सही कहा, रट डालिए बेटा। बर्ड्स दो कंडीशन है, बर्ड्स इन नेचुरल कंडीशन, बर्ड्स इन कैप्टिविटी। आशुतोष पूछ रहे हैं ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑफसेट बेटा एक सब एरियल एक्वेटिक प्लांट का स्टेम होता है जो माइटोटिक डिवीजन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। आशुतोष बताया था अभी मैंने, शायद आप लेट ज्वाइन किए क्या। तो बर्ड्स जो नेचर में रहते हैं वो केवल सीजनल होते हैं, लेकिन बर्ड्स जिन्हें हम लोग पोल्ट्री में रखते हैं उनको हम थ्रू आउट द ईयर एग प्रोड्यूस कर लेते हैं। इन ये एग जो होते हैं हम उनमें इंजेक्शन दे करके प्रोड्यूस कराते हैं। ऐसे एग अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, ऐसा एग हमारे कमर्शियल वेलफेयर के लिए तो होता है बट ये रिप्रोडक्टिव में भाग नहीं लेते हैं। इसे हम लोग फार्म के अंडे कहते हैं, देसी अंडे नहीं कहते। अब बेटा प्लेसेंटल मैमल्स, मैमल्स बेटा दो प्रकार के हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस में प्लेसेंटा नहीं बनता, वीवीपेरस में प्लेसेंटा बनता है। अब प्लेसेंटल मैमल्स भी दो प्रकार के हैं, एक वो हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं जिनमें ईस्टर साइकिल होती है, एक वो हैं जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं जिनकी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मंथली साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में पाई जाती है तो मंकी एप और ह्यूमन कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में होती है तो प्लेसेंटल मैमल दो प्रकार के हो गए। ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में है। मंकी एप और ह्यूमन एग्जाम्पल हैं, हर मंथ में साइकिल चेंज होते हैं, उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ईस्टर साइकिल वाले सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। बहुत से ऐसे मैमल्स हैं जो कंटिन्यूस आशुतोष ऑफसेट नोड से, ठीक है, इंटर नोड से कोई भी प्लांट डिवाइड नहीं कर रहा है, नोड से ही डिवाइड करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा, माइटोटिक डिवीजन कहलाएगा, डिपेंड ये करता है कि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस कैसे आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग टिक करते हैं, ठीक है बेटा। कंटिन्यूस ब्रीडर हो जाते हैं मैमल्स। आइए फिर नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं बेटा, इवेंट्स इन द सेक्स प्रोडक्शन और गैमेटोजेनेसिस। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है, यहाँ क्यों नहीं क्वेश्चन आया है, हो सकता है कहीं मिस हो गया हो। एक बार आया है कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। चलिए इस पेज पर आ जाओ, ओल्ड एज पर। ओल्ड एज तो आना ही आना है, सेंसेशन एज होती है, एजिंग होती है, फिर डेथ होती है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ट्रांजिशन फेज होती है जुवेनाइल और एडल्ट के बीच, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के बीच की फेज को ट्रांजिशन कहते हैं। गैमिट के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। प्लांट हो चाहे एनिमल, ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन फेज के लिए हमेशा कौन रिस्पांसिबल होते हैं? हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं। जैसे प्लांट में वेजिटेटिव फेज में जब फ्लावर बनता है तो भी वहां फ्लोरोजिन हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं। एनिमल में जुवेनाइल फेज के बाद एडल्ट बनते हैं तो वहां भी हार्मोन रिस्पांसिबल होते हैं।
तो ट्रांजिशन फेज में ऑलवेज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्स प्रोडक्शन के इवेंट कौन कौन से होते हैं? तीन इवेंट्स होते हैं बेटा। मेन इवेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उससे पहले के इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो होते हैं, गैमिट का बनना और गैमिट का ट्रांसफर होना। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट बेटा जायगोट होता है, आप सबको मालूम है। फिर जायगोट के बाद पहले एम्ब्रियोजेनेसिस पाई जाती बेटा। चलिए फिर बेटा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा जा रहा है, गैमिट का बनना पढ़ा जा रहा है। इनमें से यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हमें चुनना है। कुकम्बर है बेटा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। प्लांट इसका मोनोशियस होता है बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं कुकरबिटेसी के मेंबर्स में। तो प्लांट मोनोशियस होता है और फ्लावर बेटा जो होता है वो कैसा रहता है? आशुतोष स्पंजिला किस लिए लिख रहे हो, कहां से आइए बेटा? चलिए गैमिट बनने को सुनिए। गैमिट बनने की प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट तीन प्रकार के हैं। मेल फीमेल गैमिट सिमिलर होते हैं तो आइसोगैमस कहलाता है। मेल फीमेल गैमिट डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोगैमस कहलाता है। हेट्रोगैमस दो प्रकार के हैं, एन आइसोगैमस और ओ गैमस। ये हमने लोअर प्लांट में अभी आपको डिस्कस किया है, बताया हुआ अच्छे से बेटा। ठीक, ऐसी कंडीशन होगी अगर तो उसे हम लोग आइसोगैमस कहेंगे, ऐसी कंडीशन होंगी तो उसे एन आइसोगैमस कहेंगे, ऐसी कंडीशन होगी तो ओ गैमस कहलाएगी। ये कंडीशन भी आइसोगैमस है। ऐसा यूलोथिक्स क्लैडोफोरा में प्रेजेंट होता है, ऐसा स्पायरोगैरा में पाया जाता है, ऐसा क्लाइमेडोमोनास की स्पीसीज में होता है, ऐसा फ्यूकस और वाल्वॉक्स में प्रेजेंट होता है। ये हेट्रोगैमिट की कंडीशन होती हैं, इन्हें बेटा हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। होमोगैमिट्स को बेटा आइसोगैमिट्स कहते हैं। हेट्रोगैमिट्स में दोनों आते हैं, एन आइसोगैमस और ओ गैमस, करेक्ट। ये आगे बढ़ जाइए बेटा। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म बोली जा रही है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल कैसे बोलेंगे जरा इसको, इस प्रकार से मैं जो चार्ट बना रहा हूं उसको जरा देखने की कोशिश कर लेना बेटा। एक एनिमल होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। एक एनिमल प्लांट होते हैं जो ऐसे होते हैं। अगला पॉइंट बेटा, जब एक ही बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है तो लोअर प्लांट एल्गी फंगाई में उसे होमो हेट्रोथैलिक कहा जाता है। हेट्रोथैलिक कहते हैं तब बेटा उनको क्या नाम देते हैं, हेट्रोथैलिक कहते हैं। ठीक आई बस। मेल फीमेल जब एक ही अलग अलग प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे थैलस को हेट्रोथैलिक कहते हैं। जब एक में ही होते हैं तो ऐसे थैलस को होमोथैलिक कहा जाता है बेटा। ऊगैमस फ्यूकस है, वाल्वॉक्स है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। नम्रता ऊगैमस एल्गी में फ्यूकस है, वाल्वॉक्स है, सारे ब्रायोफाइट्स हैं, सारे टेडोफाइट्स हैं, सारे जिम्नोस्पर्म हैं, सारे एंजियोस्पर्म हैं, सभी ऊगैमस हैं, सभी एनिमल्स में ऊगैमस होता है। ढेर सारे एग्जाम्पल। एल्गी फंगाई में हम हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक कहते हैं। कहाँ चला गया, क्यों? एल्गी फंगाई में होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कहते हैं बेटा। ठीक, लेकिन जब यहीं पर हम हायर प्लांट में बोलते हैं तो ऐसे प्लांट को बेटा डायसियस कहते हैं, ऐसे प्लांट को मोनोइसियस कहते हैं। इस प्लांट में मेल फ्लावर है, इस प्लांट में फीमेल फ्लावर है, प्लांट डायसियस कहलाएगा। लेकिन जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हों तो प्लांट मोनोइसियस कहलाता है और फ्लावर यहाँ पर डायसियस हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हो तब भी मोनोइसियस प्लांट को कहते हैं और फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। बहुत करीने से, बहुत कायदे से समझना होगा आपको।
जब मेल एंड फीमेल प्लांट ही अलग होते हैं तो प्लांट डाइसियस होता है, जैसे पपाया की बात करते हो। जब कुकर बीटा की बात करते हैं तो प्लांट मोनोशस होता है, इन फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब गुड़हल की बात करते हैं तो प्लांट मोनोशस होता है और फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यहां फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं और फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं, करेक्ट बेटा? तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर इन चीजों को डिस्कस करते हैं, बताते हैं। लेकिन जब यही चीज बेटा एनिमल्स की आती है, कैसे बिना बताए चले यार, चलो। जब बेटा एनिमल्स में कहते हैं, एनिमल में जब अलग अलग होते तो एनिमल में हम पर्टिकुलरली यूनिसेक्सुअल ही कहते हैं, जबकि यहां पर हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अर्थवर्म लीच की बात करेंगे तो बाइसेक्सुअल एनिमल है, ह्यूमन और काकरोच की बात करेंगे तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इस प्रकार से बेटा हम सब डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोअर प्लांट एल्गी फंजाई में वही टर्म हेट्रोथैलिक होमोथैलिक यूज करते हैं, हायर प्लांट ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, या यूं कहो जिसमें ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, बहुत बहुत गौर से सुनिएगा, जिनमें ओगैमस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है, यानी जहां पर सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मेल आर्गन बनाने एंथ्रीडिया या स्टेमेंस हो, फीमेल गैमिट बनाने वाले ओगोनिया आर्किगोनिया या फिर कार्पेल हो, ऐसी जगह पर हम लोग यूज करते हैं जो टर्म वो ये वाली होती, मोनोशस और डाइसियस। ऐसी कोई एलगी जिसमें ओगैमस रिप्रोडक्शन है वहां पर हम मोनोशस और डाइसियस बोलते हैं, बहुत माइन्यूट है, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी हमारी पूरी हो जाती है बेटा। अब क्वेश्चन यहां पर देखो, एक चीज दो तीन हमें कह रखा है कि फ्लावरिंग प्लांट बेटा यूनिसेक्सुअल मेल को स्टेमिनेट कहते हैं और फीमेल को पिस्टिलेट कहा जाता है, स्टेमिनेट कहते हैं और फीमेल को बेटा हम पिस्टिलेट कहते हैं, बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है। स्टेमिनेट में बेटा एंथर में मेल गैमिट बनते हैं, जिसे हम लोग पोलन जिनको जिनमें पोलन गैंस बनते हैं मेल गैमिट होते हैं। एंजियोस्पर्म में बेटा मेल गैमिट जानते हो नॉन फ्लैजलेट ही होते हैं, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमिट भी नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं, मेल गैमेट छोटे फीमेल गैमेट बड़े होते हैं, सो दैट इन रिप्रोडक्शन को ओगैमस कहा जाता है। तो अब बेटा हमारा नेक्स्ट पेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अभी वही पेज चल रहा है, पेज नंबर कौन सा होगा, ये शायद 8, 9, 10 होगा। एनिमल में सेक्सुअलिटी मैंने कहा, यूनिसेक्सुअल एनिमल और बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल करने हैं, मैंने कॉकरोच बोला, अर्थवर्म, स्पंज और लीच की बात की थी, टेपवर्म की बात की, फेस्यूला की बात किया, यहाँ हम ह्यूमन को भी लगा देंगे, हम लोग जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब यूनिसेक्सुअल हैं, फ्रॉग जितने भी एम्फीबियन रेप्टाइल्स हैं सब यूनिसेक्सुअल हैं। रिवीजन लेक्चर को बेटा लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते ही रहिए। आखिरी समय है जहां आपको बहुत कम समय में ज्यादा चीजें लेनी है, सबको पढ़ना एनसीईआरटी ही है, सब लोग जानते हो, लेकिन एनसीईआरटी की लाइनों को क्वेश्चन में कैसे तब्दील किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस लाइन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे लाया जाए और आप तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, करेक्ट बेटा? अब एक क्वेश्चन आता है सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के बनते समय सेल डिवीजन, ठीक, गैमेट के बनते समय सेल डिवीजन। कितने पेज हैं? एक क्वेश्चन ध्यान रखिए बेटा, लोअर प्लांट और हायर प्लांट में गैमेट हमेशा माइटोटिक डिवीजन से ही बनता है, कोई भी हो। एनिमल्स में गैमेट का फॉर्मेशन बेटा मियोसिस से ही होता है, और एनिमल में गैमेट बनाने वाली सेल को मियोसाइट कहा जाता है, जो डिप्लॉयड होती है। इसलिए एनिमल में गैमेट बनने के लिए होने वाली मियोसिस को गैमेटिक मियोसिस कहा जाता है। प्लांट में दो कैटेगरी हो जाती हैं, एक में जायगोट में मियोसिस होती है, लोअर प्लांट एल्गी फंजाई में उसे जायगोटिक मियोसिस कहते हैं, जहां की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। प्लांट में तो बहुत बिल्कुल क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन है कि दो फेज होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट।
गैमिटोफाइट कहा ही जाता है कि वो गैमिट बनाती है, और गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड में कभी मियोसिस हो नहीं सकती है, इसलिए प्लांट में गैमिटोफाइट जो हैप्लॉइड होती है वहां हमेशा माइटोसिस ही होगी। एनिमल में मियोसिस है, क्या कोई प्लांट ग्रुप ऐसा है जहां मियोसिस हो सकती है? हम दो एग्जाम्पल आपको देते हैं एक्सेप्शनली, हालांकि नीट के बियॉन्ड क्वेश्चन जा रहा होता है। एक तो डिप्लॉयड डायटम्स होते हैं और डिप्लॉयड स्लाइम मोड्स होते हैं। बेटा डिप्लॉयड डायटम्स और डिप्लॉयड स्लाइम मोड्स होते हैं जहां पर गैमेटिक मियोसिस होती बेटा, बाकी कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जहां पर गैमिट बनने के लिए मियोसिस होती हो। प्लांट में हमेशा गैमिट बनने के लिए माइटोसिस ही होती है। इस थ्योरी को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो जैसा कि हम सब बता रहे हैं, अब हमारा पेज नंबर बेटा कौन सा है 12, और 12 में बेटा अर्थवर्म, काकरोच, कारा और मार्केंसिया और स्वीट पोटैटो को फिगर बने हुए आपके सामने एनसीईआरटी होगी, आपको नजर आ रही होगी। उन फिगर में से दो क्वेश्चन अब तक पूछे दोनों कारा के हैं, दोनों कारा के हैं, एक बहुत बड़ी बात है बेटा, दोनों कारा के हैं। गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट की एक साइकिल भी तो होती है ना सर? बेटा कहां कंफ्यूजन में पड़े रहते हो, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करता हो और उसमें दोनों फेज ना हो। जायगोट स्पोरोफाइट है, एल्गी फंजाई में जायगोट अकेली सेल जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, उस जायगोट में स्पोर बनेगा। एस्कोमाइसिटिस में एस्को स्पोर कहते हैं, बेसिडोमाइसिस में बेसिडो स्पोर कहते हैं, वो स्पोरोफाइट है और है, बट वो डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट होती है। इतनी निग्लिजेबल है कि ना तो आपने उसे देखा ना आपने आपको किसी ने दिखाया है स्पोरोफाइट। बेटा प्लांट किंगडम के थर्ड चैप्टर के आखिरी पेज में जहां अल्टरनेशन जनरेशन लिखा हुआ है वहां हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल के पैराग्राफ को पढ़ लो जाकर बेटा नम्रता। क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है, मैं यहां आंसर देने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन बेटा गैमिटोफाइट या स्पोरोफाइट की एक साइकिल भी तो होती है ना सर? तो गैमिटोफाइट अकेले साइकिल पूरी नहीं करेगी, स्पोरोफाइट साइकिल अकेले पूरी नहीं करेगी, जब तक गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट साथ नहीं चलेंगे तब साइकिल नहीं कहलाएगी, इसलिए दोनों का अल्टरनेट आना जरूरी है जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके बेटा, दो क्वेश्चन यहां पर कारा पर, वो भी सेक्सुअल ऑर्गन में है कि उनकी पोजीशन कैसी होती है, बस अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रिडियम। एंथ्रिडियम को ग्लोब्यूल कहते हैं, ओगोनियम को नोक्यूल कहते हैं। यही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है बेटा, एक बार 2013 का क्वेश्चन है, एक बार 2014 का है, कंटिन्यूएशन में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, नई वाली जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो 2006 में गवर्नमेंट ने इशू किया, 2007 से क्वेश्चन आना शुरू हुए। उस समय जब 2007 में बेटा क्वेश्चन आते थे, उस समय नीट ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर हम लोगों के हाथों में नहीं आता था, तो उस समय क्वेश्चन जो भी पब्लिकेशन वाले बनाते थे वो मेमोरी बेस अनसॉल्व में डाल देते थे, जिस कारण से कुछ क्वेश्चन बाहर के भी हो जाते थे, तो हम सब उसे कलेक्ट करते थे। हम उस समय से क्वेश्चन को आज भी कलेक्ट करते चले आ रहे हैं। तो 2007, 2008 से लेकर 2019 तक बेटा 13 साल लगातार पेपर हुए, 15 और 16 में दो बार पेपर हुए, इस प्रकार से टोटल 15 बार पेपर इस एनसीईआरटी से हुए, तो लगभग 1500 क्वेश्चन अब तक फ्रेम हो चुके हैं जिनको मैं लगातार आपको बताता रहता हूं। मैंने पहले पेज पर बेटा यही डिस्कस किया आपको, पहले पेज पर यही डिस्कस आपसे करते हैं हमेशा,
ये चीज हम बताते हैं 2007 से 2019 तक, ठीक है ना। और फिर कहते हैं 13 और 2 15, हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए वो हम आपको डिटेल करके देते हैं, किस पेज से कितने क्वेश्चन आए हैं। पहली किताब में बताया था पेज नंबर 19 से बेटा 15 क्वेश्चन है, 38 पेज से 12 क्वेश्चन है, 39th नंबर पेज से 8 क्वेश्चन है। कितने महत्वपूर्ण, एक पेज से 15 क्वेश्चन, 15 बार टेस्ट में हर साल एक बार आना ही आना। हर यूनिट में मैंने आपको बताया, यही खूबसूरती आपको यहां दिखेगी, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे और कोई बात नहीं है, आप इसी को पढ़ रहे हो, इसीलिए आप यहां पर बैठे हो बेटा, ठीक है। आइए, किस जगह पर हम लोग हैं, सेल डिवीजन है ना, अर्थवर्म। इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं बेटा, देखिए यहां पे क्वेश्चन जो बनेंगे उसको बस गौर कर लीजिए, ज्यादा नहीं है। जैसे अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है, कारा मोनोशियस है, इनार्गन को बताया, मार्केंसिया डाइसियस है, सूट पोटैटो आइपोमिया बटाटा कहते हो जिसे, उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है बेटा। पेज नंबर 13 पर क्रोमोसोम नंबर और गैमेट ट्रांसफर दिया हुआ है। देखो मैंने बताया मियोसिस बेटा किस सेल में होती है, तो उसे डिप्लॉयड कहते हैं, मियोसाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, इस गैमेट का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इन आप लर्न कर सकते हो। ऑनियन मेज राइस एप्पल ओवियोग्रसम को ओरमार अप्पू कहते हैं बेटा, शॉर्ट में बोला गया है। 6, 12, 24, 24, 48 यहाँ कोई भी बेटा ऑड नंबर नहीं है सब, इसीलिए डिप्लॉयड हम पहले लर्न करते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसे FSCR बोला जाता है, FSC क्रिक पढ़ते हैं ना, FSC क्रिक जो साइंटिस्ट हमने है, इसे FSCR बोलते हैं। पहले HRD मिनिस्ट्री होती थी, अब तो खैर उसे शिक्षा नीति कह दिया गया है, HTB 8, 12, 38, 42, 46, 78, 77, 2, 380 इनको अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आए नहीं, तो बहुत ज्यादा। गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं इसको ध्यान रखना बेटा, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक और एनिमल्स में, एनिमल में स्पेशल मैकेनिज्म होती है, लेकिन जहां तक बात है एल्गी ब्रायोटेडो में पानी के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, फंजाई में स्पोरेंजिया का फ्यूजन होता है, इसलिए डायरेक्ट होते हैं, केवल फाइकोमाइसिटीज क्लास के कुछ मेंबर्स जिनको अब सब क्लास जाइगोमाइसिटीज में रखा गया है उनके गैमेट फ्लैजलेटेड होते हैं, ये कुछ मेंबर्स एक्वेटिक होते हैं जहां पर पानी की जरूरत होती है, बाकी किसी फंगस में गैमेट ट्रांसफर के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है पानी, इसलिए ये पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आई सीड प्लांट यानी टेडोवा जिम्नो और एंजियोस्पर्म, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में गैमेट का फॉर्म मेल गैमेट का फॉर्म में पोलन ग्रेन्स में होता है। अब पोलन ग्रेन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं केवल एयर के द्वारा ले जाए जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में गैमेट का फॉर्मेशन पोलन ग्रेन करते हैं वो थ्रू एयर जाते हैं केवल, जबकि एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन पानी के थ्रू भी जाते हैं, एयर भी जाते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू भी जाते हैं, कई तरीके उसमें होते हैं, ह्यूमन भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स में गैमेट्स बनते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये एक बहुत बड़ा बढ़िया सा चार्ट है, हालांकि बहुत कंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, कि मैंने इसको एक तमाम सी चीजों को लेकर के दिया हुआ है, जैसे पढ़ने की कोशिश करना। एल्गी एक्वेटिक होते हैं, मेल गैमेट वाटर से चलेगा, फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन जब पानी चढ़ेगा एक्सटर्नल होगा, स्पायरोग्राम इंटरनल है, जायगोट बनता है और जायगोट में मियोसिस होती है, तो जायगोटिक मियोसिस कहते हैं, जिनसे बनने वाले स्पोर्स मियोस्पोर्स कहलाते हैं। वही चीज बेटा फंजाई में कितनी चीज बदली, एक चीज बदल गई, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यहाँ मेल और फीमेल गैमेट पानी नहीं लिखा है, मेल फीमेल गैमेट बेटा बॉडी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, पानी नहीं है यहाँ पर, देखो फर्टिलाइजेशन इसलिए इंटरनल होगा एक्सटर्नल नहीं होगा, बॉडी के अंदर होगा, स्पोरेंजिया के अंदर होगा बेटा, जायगोट बनेगा, जायगोटिक मियोसिस होगी और मियोस्पोर्स बनेंगे। हाँ, एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर और बेसिडोमाइसिटिस में बेसिडोस्पोर कहलाते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस सेक्सुअल होता नहीं है इसलिए मियोस्पोर्स बनेंगे नहीं। अब आओ ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा में लगभग सेम चीज होगी बेटा, बिल्कुल सेम,
दोनों टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, दोनों में मेल गैमिट पानी के द्वारा जाते हैं, आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। अब बेटा जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, यहां पर बेटा ये पॉइंट मैंने गलत कर दिया और जो मैंने करेक्शन भी नहीं किया, सॉरी, इसको देख लेना बेटा। जायगोट में बेटा जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, तब स्पोरोफाइट बनती है, फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है। यहां पर हमें लिखना चाहिए था, यहां पर मुझे एक पॉइंट करना चाहिए, एम्ब्रियो बेटा यहां डालना था और उसके बाद मियोसिस डालनी थी, ठीक है बेटा। तो जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है, स्पोरोफाइट बनती है, स्पोर मदर सेल होगी, फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर वहां पर स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। अब ये दो प्लांट ग्रुप एक साथ ले लो आप, इन दोनों को जिम्नो और एनजियो में, दोनों टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, दोनों में मेल फीमेल गैमिट को पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं बेटा, ठीक। हाँ, जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया में ले जाते हैं, तीन प्लांट ग्रुप आर्किगोनिया के हो गए, देखो दिख रहे हैं, ब्रायोटेडो जिम्नो, इन तीनों में आर्किगोनिया बनती, मैं पहले भी आपको बताया, इन्हें आर्किगोनिटी कहा जाता है बेटा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में नहीं मिलेगा जो मेरी क्लास में बोला ना जा रहा हो, 90 out of 90 वो एनसीईआरटी एज वेल एज एनसीईआरटी की इधर उधर की कोई भी बात हो मिलेगी। मैं एक स्लोगन इसीलिए दे रखा है कि ना इधर की ना उधर की, बस एनसीईआरटी की लाइनों के अगल बगल की, मतलब थोड़ा सा टच करते हैं और ऐसे ही वो पूछते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन हर साल एनसीईआरटी की लाइनों के अगल बगल के होते हैं बेटा। यहाँ बेटा ओव्यूल में होगा, यहाँ आर्किगोनिया में होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों में होगा, जायगोट बनेंगे, करेक्ट। यहाँ भी वही गलती कर दी है, इसे ठीक करना होगा बेटा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कंपेयर चार्ट है, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हो, जब फीमेल गैमिट बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप करे तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये पेज नंबर 14 पर देखिए, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, थोड़े से पॉइंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट को फर्टिलाइजेशन कहते हो बेटा, सिंगगैमी कहते हो, करेक्ट। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हो, अभी हम लोगों ने बताया है, फीमेल गैमिट बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप करता है तो उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दो प्रकार की पार्थेनोजेनेसिस होती है, एरिनटोकी और थैलीटोकी, हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। जब बेटा हैप्लोइड और दूसरी डिप्लोइड, इन्हें हैप्लोइड एग सेल डेवलप होती है तो उसे एरिनटोकी कहते हैं, जब डिप्लोइड एग सेल डेवलप होती है तो थैलीटोकी कहते हैं। अब वेस्प एंट हनी बी और गाल फ्लाई, डिफनिया रूटीपर्स, नेमेटोड, ट्रेमेटो, लेसर्टा, ये सब एग्जाम्पल जो देखे हैं स्पेसिफिकली इस प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस। चलिए, ये जो चार्ट बना है वो बेटा इनके लिए बना है कि एनिमल्स कैसे होते हैं, चलिए देखें, इसमें कोई गलती तो नहीं की है, क्यों मैंने पहली बार ही इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए बनाकर मैंने अगर इसके पहले पढ़ाया होता तो मैं ठीक कर दिए होता, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे बेटा। बोनी फिशेस कैसी होती हैं, अंडे देती हैं। फ्रॉग कैसे होते हैं, अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, ये भी अंडे देते हैं। बर्ड्स कैसी होती हैं, ये भी अंडे देते हैं। बट इनके अंडे देने में अंतर क्या होता है बेटा, बोनी फिशेस अनफर्टिलाइज अंडे देती हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन इसमें बेटा एक्सटर्नल होता है, अनफर्टिलाइज अंडे देती हैं। फ्रॉग भी बेटा अनफर्टिलाइज अंडे देते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। लेकिन जब रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करते हैं, ये लोग फर्टिलाइज एग देते हैं और इनके चारों ओर बेटा, एग के चारों ओर कैल्केरियस सेल लगी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है, ऐसे एग को क्लाइडोइक एग कहते हैं, ऐसे एग को क्लाइडोइक एग कहते हैं, स्पेसिफिसिटी होती है। तो इन दोनों में बेटा फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है बेटा, एग का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगा, एग का डेवलपमेंट सेल्ड एग के अंदर होगा, फिर एग से हैचिंग होगी यंग वंश की, ये है इन दोनों का करेक्टर। मैमल्स बिल्कुल अलग है, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अब मैमल्स वीवी पेरस होते हैं,
इनका डेवलपमेंट भी अंदर होता है। तो इस चार्ट में मुझे क्या सीखना है, नंबर एक फ्लाइसन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, डेवलपमेंट इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ओवी पेरस है या वीवी पेरस है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, ये ओवी पेरस है बट एग फर्टिलाइज है कि अनफर्टिलाइज है, ये वीवी पे ये ओवी पेरस है फ्लाइसन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो जिसमें फ्लाइसन एक्सटर्नल होगा उसका एग बेटा अनफर्टिलाइज ही निकलेगा, जिसमें फ्लाइसन इंटरनल होगा उसमें एग बेटा फर्टिलाइज ही निकलेगा। तो ये चीजें आपकी यहां बनती हैं, यहां क्वेश्चन इस लेवल पर ले लेना। पोस्ट फ्लाइसन इवेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस की वाले पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इस पेज में बेटा ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। कैसे क्वेश्चन कहेंगे हम लोग, ये देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बेटा जो रिजल्ट होता है वो जायगोट होता है। जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, और आप देखिए लोअर प्लांट एल्गी और फंजाई के जायगोट में मियोसिस होती है जिसे हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बन जाती है। ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लोएंटिक कहते हैं। आगे पढ़िए, ब्रायोफाइटा टेटोफाइटा जिम्नोएंजियोस्पर्म में जायगोट में माइटोसिस होती है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, प्लांट स्पोरोफाइट बन जाता है। इन तीनों में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है, उसमें स्पोर मदर सेल्स होती है और फिर मियोसिस होती है। तो इनमें बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस पाई जाती है, जायगोट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑलरेडी लोअर प्लांट में हम लोग पढ़ा ही चुके हैं बेटा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस का क्वेश्चन आता है, एम्ब्रियो के बनने को कहते हैं। कैलकेरियस सेल का यहां पर क्वेश्चन है, ये एक देखिए एनिमल कैटेगराइज है एग के बेसिस पर दो, एक ओवी पेरस दूसरे वीवी पेरस। मैमल को छोड़कर बेटा सभी वीवी पेरस है, ठीक। ओवी पेरस एनिमल्स जो होते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स ओवी पेरस ही हैं। अब दोनों में एग कैसे होते हैं, कैलकेरियस होते हैं, ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कैलकेरियस सेल होती है, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे जैसे एनिमल इवॉल्व होता चला गया है उसमें प्रोटेक्शन अपने आप को जिंदा रहने की चाहत ज्यादा होने लगी है, जिससे सुरक्षित होने लगा है। लोअर में ऐसा बिल्कुल नहीं था, पैदा हो गए ठीक है मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पैदा हुए कुछ करना है तो सुरक्षित रहना है, जब सुरक्षित रहेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। ये नियति जो थी बनती चली गई। अब ये हुआ कि रेप्टाइल्स और बर्ड के एग भी दूसरे जानवर खा जाते हैं, अब क्या करें, तो चलो भाई डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही कर दो, तो मैमल्स बन गए वीवी पेरस हो गए। अब कहा वीवी पेरस से बच्चे बाहर, तो पेरेंटल केयर आ गई, इंसानों में कितनी पेरेंटल केयर होती है आप जानते हो। तो ये जो चाहत जिंदा रखने की है नेचर ने हमारे अंदर पैदा किया कि हम अपने जेनेटिक मेटेरियल को जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में बना हुआ है इसको कैसे संजो करके रखें। चलिए खैर वो एक बड़ा पार्ट है, अलग पार्ट है जिसको हम लोग वैसे बताते हैं, और बाकी इस पेज पर बेटा बहुत कुछ नहीं मिल रहा होता है, थ्योरी लिखी हुई है। तो चलिए वीवी पेरस एनिमल्स होते हैं, मेजॉरिटी में मैमल्स वीवी पेरस ही होते हैं, ह्यूमन भी उसमें एग्जाम्पल होता है। जायगोट का डेवलप यंग वंस में बॉडी के अंदर ही हो जाता है फीमेल की, ये वीवी पेरस होते हैं। ये किस लिए होता है बेटा, क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियो का केयर हो सके, सर्वाइवल के चांस बेटा ज़्यादा हो सके वीवी पेरस में। फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा जायगो अभी आया, ओवी के अंदर होता है, इंटरनल फ्लोरेशन होता है। अब केवल प्लांट के बारे में चार चार चीज़ें हैं, उसका चैप्टर बेटा आपका फिनिश हो जाता है। प्लांट में बेटा फ्लावर आप जानते ही हो, फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल गिर जाते हैं, पेटल गिर जाते हैं, स्टेमेन गिर जाते हैं, ओवरी का ओव्यूल बना रहता है। कैसे वो उस प्लांट का ना बताओ जिसमें सेपल परसिस्टेंट रहता हो। फैमिली बेटा किस में, फैमिली सोलेनेशी में सेपल्स परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है बेटा। पिस्टिल अटैच रहता है बेटा, उसी में सारा प्लांट डेवलप होता है। जायगोट बेटा एम्ब्रियो बनाता है, सबको पता है ओव्यूल सीड में बन जाता है, ओवरी बेटा फ्रूट में बदल जाती है ना। अब फ्रूट की वाल को क्या कहते हो, फ्रूट की वाल को पेरिकार्प कहा जाता है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन में होती है। बस पेरिकार्प में बेटा तीन लेयर्स होती हैं, सीड बेटा डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज शुरू हो गई,
पेज नंबर 16 पे समाप्त हो गया। मुकेश फंजाई एलगी में जायगोट में जायगोस्पोर बनता है, सही है। जायगोस्पोर तब कहते हैं जब रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और एन आइसोगैमस होता है। जब रिप्रोडक्शन ऊ गैमस होता है उसे ऊ स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। तो जायगोट को जायगोस्पोर कहते हैं आइसोगैमस और एन आइसोगैमस, जायगोट को ऊ स्पोर कहते हैं बेटा ऊ गैमस प्रकार के रिप्रोडक्शन। आज के लिए बेटा इतना ही, पहला चैप्टर फिनिश हुआ है, कल इसका सेकेंड चैप्टर 10 बजे हम पढ़ाएंगे। आज शाम को बेटा प्लांट एनाटॉमी मीन्स छठा चैप्टर होगा, कल मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहली किताब का छठा चैप्टर चलेगा। कल सुबह पहली किताब का दूसरा चैप्टर होगा, शाम को पहला पहली किताब और सुबह दूसरी किताब। इस प्रकार से हम तेज़ी से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे मेरा 8-10 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, बच्चों के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर लगातार 1.5 से 2 घंटे की क्लास ले लेता हूँ जो चैप्टर बड़े होते हैं। इवनिंग क्लास की टाइम बेटा शाम को 7 बजे है, ठीक है, और मॉर्निंग क्लास 10 बजे है। लेकिन बच्चों का डेटा ख़त्म हो जाता है जिससे वो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई बात नहीं, गुड डे बेटा, गुड लक, ओके, थैंक यू।